Hola, buon tardi. Mio nome è Salman Malik. Sto procurando per il lavoro. Faccio for. Io parlo molto migliore inglese, molto migliore alemão. So, hello guys, welcome to my YouTube channel. So, ji, aapko Porto mein aana chahiye, Portugal mein ya Lisbon mein. Do aise cities hain aur kaun-kaun se aise cities hain जहाँ पे आपको पुर्तगाल में जॉब थोड़ी सी आसानी से या थोड़ा सा हार्डवर्क थोड़ा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए, तो कौन सा सिटी आप लोगों के लिए पुर्तगाल में बेहतर है? क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे जॉब्स का अकोमोडेशन का बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल में लिस्बन और पोर्टो सबसे बड़े सिटी हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिस्बन में, और लिस्बन में रश भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो अपने मोस्टली देसी होते हैं ना, जो इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से होते हैं, मोस्टली लोगों को लिस्बन में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे भी लिस्बन में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान चाहता है मैं रौनक भी देखूं, शुगल मोगल भी देखूं और यहाँ पे सरवाइव भी करूं और हर एक प्रॉब्लम को फेस भी करूं। तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं लिस्बन में, और अभी लिस्बन में इसी वजह से, रश होने की वजह से लोगों को जॉब भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर हर बंदा भी वेला नहीं है। क्योंकि जनाब आपको पुर्तगीसी नहीं आती तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपको पुर्तगीसी आती है तो आपको पूरे पुर्तगाल में जॉब थोड़ा सा आसानी से ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, ना तो आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं पे भी काम का पता करने जाते हैं तो अगर आप ये कहेंगे ना यो फला पोको पुर्तगीज, तो वो आपको पोको पोको करके कहेगा हाँ भाई आप बाहर चले जाएँ। ठीक है, तो आपको क्या कहना चाहिए पहले मैं ये भी बता दूं, और कौन से सिटीज़ हैं यहाँ पे वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। पहले जहाँ पे भी आपने पूरे पुर्तगाल में जॉब के लिए जाना है आपने कहना है हाँ भाई मेरा नाम ये है, मियो नोमे सलमान मलिक, इस्तु प्रोकोरा पारा ट्राबालो, या आप ये भी बोल सकते हो कि यू पर सीजा दे ट्राबालो। आपने पोको पोको का नाम ही नहीं लेना कि हाँ यो फाला पोको पुर्तगीसी, आपने कभी नहीं कहना। इसका इंग्लिश में और उर्दू में क्या मतलब है कि हाँ मैं थोड़ी थोड़ी पुर्तगीसी बोल लेता हूँ। तो आपने कहना क्या है, आपने कहना है यो फाला इंग्लिश मोई तो मिलियोर, यो फाला पुर्तगीज तम्बई माज मियो पुर्तगीज आइंदा नौ मोई तो परफेतो। ये मैंने क्या बोला है कि हाँ भाई मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ और मैं पुर्तगीज भी बोलता हूँ, लेकिन मेरी पुर्तगीज इतनी अच्छी या परफेक्ट नहीं है। जब आप ये बोलते हो ना तो अगला बंदा जो सुन रहा होता है ना वो सोचता है कि हाँ यार ये बंदे को लैंग्वेज तो नहीं आती लेकिन ये हार्डवर्क कर रहा है, इसको मौका देना चाहिए। आप ये भी लाइन उनके ऊपर फेस पे चिपका सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इस तू अपरेंडे पुर्तगीज तू दूस दिया, कि हाँ मैं हर रोज पुर्तगीसी सीखता भी हूँ। ये भी बोल सकती हो कि यो गोस्तो इसु लिंगवा, कि मैं इस जुबान से प्यार भी करता हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है। अभी मैं पूरा सेंटेंस भी आप लोगों के लिए बोल के दोबारा से बता देता हूँ कि आपने कैसे और क्या उनको जाके बोलना। ओला बोतार मियो नोमे सलमान मलिक, इसु प्रोकोरा की पारा ट्राबालो फाशो फोर, यो फाला मोतो मिलियोर इंग्लिश मोतो मिलियोर अलेमाओ, अलेमाओ क्या है जर्मनी की, क्योंकि मुझे तो अभी जर्मन भी आती है। यो फाला पुर्तगीज तम्बई माज मियो पुर्तगीज आइंदा नो मुई तो परफेतो माज यू तेंता फाला पुर्तगीज आई ट्राई टू स्पीक पुर्तगीज फुर इसु यो अप्रेंडे पुर्तगीज तम्बई। आपको पुर्तगाल में जॉब चाहिए तो इन लाइनों का रट्टा मार लो, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, और ये वो वाले लफज हैं अगर आपने ये सीख लिए तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो आपको बता दिया कि आपने कैसे अपना जनाब इंट्रोडक्शन करवाना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप खुद से भी काफ़ी चीज़ें अपने पास ऐड कर सकते हैं, हाँ भाई मुझे ये काम आता है, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है ये वो, तो अभी आपको बताता हूँ कि जॉब कौन से सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं। मदेरा में बहुत ज़्यादा जॉब्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मदेरा एक आइलैंड एरिया है, बीच एरिया है। अगर वहाँ पर आपको समझ लिया अकोमोडेशन मदेरा की तरफ मिल जाती है तो 15-20 दिनों में आपको जॉब भी कहीं ना कहीं मिल सकती है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मदेरा इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सेकंड नंबर पे आता है अलगार्व, अलगार्व भी एक बीच एरिया है, वहाँ पे भी लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अकोमोडेशन का फेस करना पड़ता है। पुर्तगाल में एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ जगहों पे जॉब्स मिलती है लेकिन वहाँ पे अकोमोडेशन का मसला होता है। यहाँ पे जैसे कि पोर्टो अलेग्रे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे एक इंसान था उसको जॉब तो मिल रही थी लेकिन उस बेचारे को अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। और अभी पुर्तगाल लिस्बन में क्या है, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन तो मिल जाती है लेकिन जॉब आसानी से नहीं मिलती। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा ही वेला है, मैं भी जॉब करता हूँ, सारी दुनिया यहाँ पे जॉब्स करती है, वेला सिर्फ वही इंसान है जो कोशिश नहीं करता, जो हर एक दरवाजे जाके नहीं खटखटाता हाँ जी पाजी उन्हें जॉब चाहिए। जब आपने घर में बैठे रहना है, आपने मोए मोए देखते रहना है, आपने जनाब मियाँ खलीफा देखते रहना है, तो किस तरह जॉब मिलेगी? आपने उठना है, बाहर आना है, हर जगह पे आपने
टक्की आके खानी है तब कहीं आके पुर्तगाल लिस्बन में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। मुझे भी ऐसे ही मिली थी, मैंने तकरीबन अपनी 100 CV बांटी थी तब कहीं जाके मुझे जॉब मिली थी। और कौन कौन से सिटीज हैं ये भी बता देता हूँ, वो जनाब लेरिया में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। लेरिया में आपको अकोमोडेशन थोड़ा सा इजीली मिल भी जाती है। मरीना ग्रांडे में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। ससिम्ब्रा लिस्बन के आसपास ही, अगर आपके पास मेट्रो का कार्ड है, ये जो मेरे पास है, तो आप ससिम्ब्रा फ्री ऑफ कास्ट जाते हैं। और कोस्टा दे कपरिका, ये भी दो छोटे छोटे बीच है, ये भी लिस्बन में ही आते हैं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये मेट्रो का कार्ड बहुत काम करता है आपका। तो अगर आपके पास आपकी सीवी है और सीवी कैसे आपने बनानी है, क्या कुछ ऐड करना है, ये मैं बाद में बता देता हूँ, तो आप कोस्टा दे कपरिका में भी जा सकते हैं। ये सारे नाम है, ऊपर आप लोगों की हेल्प के लिए लिखूंगा भी। ससिम्ब्रा में भी जाके पता कर सकते हो। और पोर्टो में आपको जॉब तो मिल जाती है और वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। लेकिन पोर्टो का स्टैंडर्ड एटलीस्ट लिस्बन से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिस्बन में एशियन अपने देसी लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन पोर्टो में भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़े से कम है। तो सबसे अच्छे सिटीज मैं फिर से बता देता हूँ, मदेरा बहुत अच्छा है जॉब के लिए, अलगारो अच्छा है, ठीक है, मरीना ग्रांडे, लेरिया, कोस्टा दे कपरिका, ससिम्ब्रा बीच, अलगार। और अलगार मैं बता दूँ, अलगार का जो मेन सिटी है वो फारो है, ठीक है, और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे तो अलगार फारो बहुत पसंद आया। तो ये वो सारे सिटीज हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब के लिए तलाश करना है पुर्तगाल में। और अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती तो जनाब आप एग्रीकल्चर में ट्राई कर सकते हैं। अभी एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ काम मिलता है पुर्तगाल में, बेजा, ठीक है, पिगोश में मैंने भी कभी काम किया था, ठीक है, वहाँ पे भी काम मिलता है, विला फ्रंका, विंडस नोवा, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर में आपको काम मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर में अभी होता क्या है, मोस्टली सारी जो फर्म्स हैं ना, जो आगे बंदे हैं जो हायरिंग करते हैं, वो अपने देसी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं, आप काम भी कर लेते हैं, कोई इंसान आपका टैक्स पूरा नहीं देता, कोई सैलरी पूरा नहीं देता, तो बहुत सिस्टम भी होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में अच्छे बंदे मिलना भी ना, ये एक अल्लाह की नेमत है, क्योंकि यहाँ पे यार इंसानों को यूज़ किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपसे चल सो चल काम लेते हैं और आपको जनाब आपका हक नहीं देते, और यहाँ पे ऐसी स्टोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं पुर्तगाल में। और इसमें आप लोगों का भी कसूर है, आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते, आप लोग 400-500 में क्यों काम करते हो यार। बेसिक सैलरी लेना पुर्तगाल में आपका हक है, और पुर्तगाल में बेसिक सैलरी कितनी है, 820 यूरो, और ये लेना आपका हक है। दो छुट्टियां होती हैं, 8-8 घंटे काम होता है, लेकिन अगर आप देसी के पास काम करते हैं तो ना तो आपको दो छुट्टियां मिलती हैं। कुछ देसी लोग अच्छे भी हैं ओनर, जो आपको आपका पूरा हक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ यूज ही करते हैं। और एग्रीकल्चर में अगर आप काम करते हैं तो लोग पूछते हैं कि कितने पैसे बन जाते हैं पुर्तगाल में, तो एग्रीकल्चर में अगर आपके 20 दिन भी लग गए तो आपको बेसिक सैलरी तो ज़रूर मिल जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर में कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, कभी बारिश आ गई, कभी मशीनरी खराब होगी, तो आपके मुश्किल से ही तकरीबन 15-20 दिन लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हाँ भाई तकरीबन आपका 20-25 दिन भी काम रहता है, तो आपकी सैलरी ठीक ठाक 800-900 से भी प्लस हो सकती है। और एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत काम होते हैं, फ्लावर्स का काम होता है, टमाटर निकालने का, गाजर, जो आप खाते हो ना, सारे का सारा एग्रीकल्चर में काम होता है। और मोस्टली हमारे इंडियन भाई तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इंडिया में वो काफ़ी खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं, तो उनके लिए धूप आंधी तूफान भी कोई इतना मैटर नहीं करती, और ये अच्छी बात भी है। और देखें लिस्बन में भी आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन लिस्बन में आपको यार कोशिश करनी होती है, और प्लीज़ लैंग्वेज सीखा करो, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आपको यहाँ पे जॉब मिलने के बहुत कम चांसेस है, और ये हकीकत है। और पुर्तगाल के लोग कैसे हैं, पुर्तगाल के लोग बहुत ज़्यादा रेसिस्ट भी हैं, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये क्या ही बात कर दी, तो यहाँ पे आपको कुछ रेसिज्म भी देखने में मिलता है, तो ये सारी हकीकत आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन अगर आप खुद अच्छे हो तो फिर लोग भी अच्छे हैं, लेकिन पुर्तगाल का स्टाइल ही थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एनीवे, आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। लिस्बन या पोर्टो में से आपको कौन सा सिटी चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि पोर्टो ज़्यादा अच्छा है, पोर्टो का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, और वहाँ पे एटलीस्ट आपको मेहनत करने से जॉब मिल जाती है। लेकिन लिस्बन में अगर आपने आना है तो मोए मोए आपके साथ हो सकता है। वीडियो में इतना ही, होप कि मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया। और यहाँ पे देखें फ्लैग्स लगे हुए हैं हर एक कंट्री के, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इसराइल, फलस्तीन का सॉरी नहीं लगा हुआ, मतलब कि हर एक कंट्री का लगा है। तो जनाब आपको भी क्या चाहिए, इंडिया में पाकिस्तान का फ्लैग लगाओ, पाकिस्तानियों तुसी पाकिस्तान इंडिया वाले फ्लैग लाओ और आपस में प्यार बांटो, ठीक है। और आपको सीवी कैसे बनानी है, आप सीवीज में झूठ मूठ भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई मैंने रेस्टोरेंट का काम किया है, मैंने पिज्ज़ा का काम किया है, मैंने रेस्टोरेंट में किचन हेल्पिंग का काम किया है, जो जो आपने एक्सपीरियंस
आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। जो आपने नहीं भी ना किया वो भी आप सीवी में डाल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने मैकडोनल्ड में इंडिया पाकिस्तान में काम किया हुआ है, मैंने फलां जगह KFC में काम किया हुआ है। तो मतलब कि आप हर एक चीज़ डालें, क्योंकि वो कोई आपको इंजीनियर की जॉब नहीं दे रहे जो आपके वेरिफिकेशन करने के लिए पीछे डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। तो आप अच्छी तरह सीवी बनाएं, अच्छी तरह जोड़ भी अंदर बोलें, ठीक है? तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं, मैंने भी किया था, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दुआ में याद रखें और बता सकते हैं मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं।